कौन ऐसी गलती तुमने कर डाला जो उस गलती को लेकर के हमारे भैया आपको घर से बाहर निकाल दिया, गलियों में दुकानों पे पत्ते चाट रही हो। कहा हो भैया आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, नहीं तुम्हारे बगैर सी पाऊंगा, आज मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। भैया रे तेरे बिना भी तब तक बनवारी का जल से घोड़ा बनवारी का सरदार जी जय चंबल जय काली जय चंबल जय काली। आया लौट कर लचो की छत मेरा सुख चैन छीना है, लौट कर लचो की छत मेरा सुख चैन छीना है, आया तुझे बर्बाद कर दूंगा यही साल का। उखाड़ूंगा मैं जर से, उखाड़ूंगा मैं जर से, पड़ेगी फिर डाल कर से, रहेंगे दोनों कुत्ते तो करेंगे ना। बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता बनवारी वही चलेगा जो तेरा। लग चुका कप्पा, कहाँ जाएगा पंछी डाल का, घर बैठे आ रहा भोजन दे। बयाप बयाप की सैने की तरह वो तरह ही मचा दो, नहीं तो वो चैन से जी सके, नहीं तो चैन सा। वाह भैया वाह, कौन विष्णु क्या इस लिबास में आप अच्छे? अरे तू आ गया रे। हाँ आ गया विष्णु। हाँ मैं आ गया, तुझे देखने के लिए देख, तेरे भाई बनवारी की आंखें तरस गईं, कितनी अच्छी लगती है हमारे भाई के जिस्म पर कानून की वर्दी। आ मेरे भाई, एक बार अपने भाई के सीने से लग जा मेरे भाई विष्णु। विष्णु क्या हो गया रे तुझे, तूने अपने भाई को सीने से लगाने से इनकार कर दिया। जानना चाहती हो, एक बात बताइए भैया, कभी जमीन और आप आसमान का मिलन हुआ है? कभी नहीं हुआ। तो जब जमीन आसमान का मिलन नहीं हो सकता, तो हमारा और आपका मिलन कैसे हो सकता? आप तारे एक देश के भक्षक और मैं तारा इस देश का रक्षक। जब जमीन आसमान का मिलन नहीं हो सकता, तो पुलिस और डाकों का मिलन कैसे? वाह, आज क्या आप इस काले लिबास में अच्छे लग रहे हैं? तेरी बात सुनकर के बनवारी का दिल खुश हुआ विष्णु। आज भी हमारा छोटा भाई हमारी नसीहत को उसी तरीके से याद रखा जिस तरीके से हमने उसे नसीहत दिया करते थे। आज आपकी भी बात मुझे अच्छी लगी, आज आपकी बात अच्छी लगी,
और आपकी बातों का मुझे ख्याल आ रहा है। इंसान तो तुम वही हो। जब मैं कॉलेज घर से निकलता था कॉलेज के लिए तो क्या शिक्षा दिया करते थे कि विष्णु अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना, किसी से लड़ाई व झगड़ा नहीं करना, हर किसी बहन और माँ को अपनी बहन बेटी मानना। और आज वही एक इंसान, शिक्षा देने वाला एक इंसान, काला लिबास पहन करके गरीबों का। इसका मतलब अब हमारा छोटा भाई विष्णु छोटा नहीं रहा, इतना सयाना हो गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा विष्णु। हाँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। कौन से? ऐसा कौन सा मुसीबत भरा पहाड़ तुम्हारे सर के ऊपर टकरा गया? ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसकी वजह से तुमने काला लिबास पहना है विष्णु? हाँ, तो हमारी हकीकत सुनने के लिए यहाँ पर खड़ा है। हाँ, हम अपनी हकीकत किसी को नहीं बता सकते विष्णु। क्यों नहीं बता सकते? तो मेरी नजरों के सामने से चला जा। दिल के अंदर अरमान चॉइस थे कि जिस दिन तू कानून की वर्दी अपने जिस्म पर धारण कर आएगा, उस दिन ये बनवारी अपने सीने से लगाएगा, उसी दिन सारी गमों को भूल जाएगा। और आज आज तूने अपने सीने से लगाने से इनकार कर दिया। हाँ विष्णु, मैं सारी दुनिया खो चुका हूं पर तुझे कहना नहीं चाहता। हम चले जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी हम लेकर जरूर जाएंगे। बोलो, ऐसी कौन सी गलती हमारी भाभी से हो गई? ऐसी कौन सी गलती हमारे भाभी से हो गई जिनको आपने लात की ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया, और लोगों के साथ में काला लिबास पहन करके इन गरीबों का खून चूसने? नहीं विष्णु, मत नमक डाल उस गांव पर जिस गांव पर नमक डालने से गांव पड़ जाए। ऐसा ना हो कि हमारी कहानी सुनने से पहले तू या तो अपनी दम को तोड़ देगा या तो ये सारी दुनिया को आग लगा देगा विष्णु। ओ, ऐसी कौन सी तुम्हारी कहानी है? अगर जानना चाहता तो अपने इस कलेजे को पत्थर बना ले मेरे भाई। हम अपनी सारी कहानी तुझे बताऊंगा कि आज एक सीधा साधा इंसान इस देश का बागी कैसे बन गया। कैसे बन गए विष्णु? बोलो। तुझे तो हमने खुशी खुशी प्लेस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। तेरे जाने के बाद कुसैला गांव के सभी लोग आए और कहा, बनवारी, प्रधानी का चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है, तुम प्रधानी के चुनाव में खड़े हो जाओ, हम तुम्हें वोट देकर के प्रधान बन देखना चाहते हैं। अच्छा। हमने साफ शब्दों में गांव वालों को मना कर दिया, लेकिन तेरी भाभी माँ जिद करने लगे कि स्वामी, जब गांव वाले सभी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं तो क्यों ना प्रधानी का चुनाव लड़ लिया जाए। आप इस कुसैले गांव के प्रधान हो जाएंगे और हम प्रधान। फिर मैंने गांव वालों का कहना नहीं माना, लेकिन तेरी भाभी माँ के कहने के अनुसार हमने प्रधानी लड़ने का इरादा सोच लिया। फिर क्या हुआ? ये आवाज लखपत वर्मा के कानों तले पहुंची, लेकिन उससे रहा नहीं गया। फिर वो जाकर के थाना मोहली इंस्पेक्टर विक्रम से मुलाकात किया, मुलाकात के साथ साथ कुछ रुपए रिश्वत में उसे दे दिया। अच्छा। विक्रम इंस्पेक्टर ने कहा कि बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम जाकर के कुसैला गांव में किसी के वहां डाका डलवा दो, डाका, और डाका के साथ साथ किसी का मर्डर करवा दो। फिर क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। और कहा, बनवारी की कोई ऐसी वस्त्र चुरा करके उस मौके वारदात पर पहुंचा दो जहां पर मर्डर हुआ हो और सब गांव के लोग जानते हों। के वस्त्र बनवारी लाल की? तो जानता है मेरे भाई, कई साल पहले हमने जूते लाया था जो पूरा गांव जानता था। हाँ। हम तेरी भाभी
लच्छो से प्यार की मीठी मीठी बातें कर रहे थे, इसी मौके वारदात पर कोई आकर के एक जूता चुरा ले गया। जूता चुराने के बाद जाकर के वो अपने गांव के श्यामू काका के वहां डाका डलवा दिया। श्यामू काका के वहां और डाका के साथ साथ उनका मर्डर कभी हो गया। मर्डर? फिर क्या हुआ? वहीं पर हमारा एक जूता पाया गया। जब मौके वारदात पर पुलिस फोर्स पहुंची तो सिनाक के तौर पर वहां कोई और साबूत नहीं थी बल्कि बनवारी का जूता था। फिर गांव वाले ने कहा जब ये जूता बनवारी का है तो 302 का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि बनवारी है। मुझे 302 का मुजरिम बनाने के बाद वो हाथों में हथकड़ी पहना करके विक्रम स्वेटर थाना महोली लिए चला गया। फिर तेरी भाभी माँ सरपंच साहब के वहां गई अपनी मदद मांगने के लिए। अच्छा, सोचा काश सरपंच साहब के वहां जाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, विनती करूंगी, हो सकता हमारे स्वामी को बचा लें। हाँ। जिस वक्त तेरी भाभी माँ सरपंच साहब के वहां पहुंची तो वहां मदद नहीं मिली तेरी भाभी माँ को, बल्कि तेरी भाभी माँ की इज्जत लूट लेने की वो कोशिश किया। लखपत वर्मा? हाँ, तेरी भाभी माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग रही थी। हाँ। वो पीछा करता रहा। अच्छा, तेरी भाभी माँ ने सोचा काश अगर हम थाना मोहली पहुंच जाऊंगी तो हो सकता है हमारी इज्जत बच जाए। किसी ना किसी तरीके से तेरी भाभी माँ थाना मोहली तो पहुंच गई। उसी वक्त विक्रम इंस्पेक्टर हमसे जुल्म इकबाल करवाया था, मैं रस्से में बहुत मजबूती के साथ जकड़ा था और वो विक्रम इंस्पेक्टर हमें ताड़ना दे रहा था। इसी मौके वारदात पर तेरी भाभी आ गई और कहा स्वामी मेरे पीछे गुंडा है। हमने कहा कौन गुंडा है लज्जो? कहा सामने जरा नजर डालो। तो हमने नजर डाला तो कोई और नहीं बल्कि सरपंच लखपत वर्मा नजर आया। सरपंच लखपत वर्मा? हाँ। मोहली थाने पहुंच गया। हमने विक्रम से कहा कि साहब मेरी पत्नी लज्जो की इज्जत बचा लो, आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ अपनी पत्नी की इज्जत मांगता हूँ, लेकिन तेरी भाभी माँ की वहां इज्जत नहीं बची। भी सुनो, मेरी आंखों के सामने वही स्वेटर विक्रम सरपंच लखपत वर्मा ने मिलकर इज्जत को लूट ली। स्वेटर विक्रम तेरे कालों की वर्दी पहनकर फिर भी इंसाफ हमारे परिवार को नहीं दिला सका। मिटा दूंगा तुझे, मिटा दूंगा। जिस तरीके से मेरा परिवार बिखेरा है तुझे टुकड़े करके तेरी बोटियों का ना बिखेर दिया। अब तू ही बता विष्णु, या तो जिस इंसान की पत्नी की इज्जत उसकी आंखों के सामने लुट जाएगी, या तो वो इंसान इस दुनिया को आग लगा देगा, या तो खुद अपने आप को मिटा देगा। पहनूंगा ये वर्दी। क्या है इस वर्दी में जो वर्दी पहनकर हम अपने घर की इज्जत नहीं बचा सके? अरे कालूल की वर्दी पहन करके विक्रम इंस्पेक्टर मेरी भाभी की इज्जत लूट लिया। दही वर्दी पहनूंगा। ये वर्दी भैया पकड़ो। नहीं विष्णु, ये वर्दी पकड़ो। नहीं, क्योंकि ये वर्दी मुझे इंसाफ नहीं दिला सकी। क्या कह रहा है तू? मैं सच कहता हूँ। नहीं विष्णु, यही वर्दी पहनकर विक्रम इंस्पेक्टर ने मेरी भाभी की इज्जत लूटा है। जब तक विक्रम इंस्पेक्टर को मैं दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक ये वर्दी अपने जिस्म पे धारा। पकड़ो वर्दी, आज मैं जा रहा हूँ थाना कुतवाला। इस वर्दी को फेंक रहा है विष्णु। हाँ। जिस वर्दी के कारण हमारी दुनिया उजड़ गई, अरे इस वर्दी के कारण हमने लोगों के आगे दामन फैला करके भीख मांगा है। हाँ। इसी वर्दी को पाने के खातिर तेरी भाभी माँ ने सुहाग के कंगन तक बेच डाला और आज इस कानून की वर्दी को तू उतार रहा है। हाँ विष्णु,
तेरी जरूरत बनवारी को नहीं बल्कि मुल्क और वतन की है। ये लड़ाई सिर्फ बनवारी की है। ये लड़ाई मैं भी लड़ूंगा। नहीं, आज तक तूने कभी हमारी नजरों में नजर मिलाने की कोशिश नहीं किया और आज इस कानून की वर्दी उतारकर अपने भाई का अपमान कर रहा है तू। नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। कुछ भी तेरी बात सुनने को पसंद नहीं करूंगा विष्णु। पकड़ इस वर्दी को और दबा हो जाए यहाँ से। ये वर्दी भैया भूसी दिन धारण करूंगा। चैतन विक्रम इस पट लखपत वर्मा विश्वनाथ प्रधान कांतार तो नहीं पहनूंगा। चला जा विष्णु। नहीं जाऊंगा। असला हो यही तेरी जीत तेरी मौत का कारण बन जाए। हमें मार दो तो अच्छा ही हो। और कहीं ये बच गया तो उन जालिमों की बुराई है। नहीं जाएगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। हम तेरे जिस्म पर काला लिबाज नहीं देखना पसंद करेंगे। अगर तुझे काला लिबाज पहनना है तो बनवारी आज तुझे सफेद ही कफन पहनाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। अपना खून अपने हाथों से बहाना चाहते हो। जिसकी भाभी की इज्जत लुट जाए और वो एक कानून की वर्दी पहनेगा तो तुम्हारे कहने का मतलब हम इस देश को बागी बना डाले। ये अपने गृह में रहेगा बनवारी। ये मेरा वादा है। ये क्या कह रहे हो भैया? सच कह रहा हूँ बनवारी, होश में आओ। और ये वर्दी ये विष्णु उसी दिन पहनेगा जिस दिन उन तीनों कुत्तों का खून बहेगा। भैया आप भी शांति। ये एक उंगली है, इसे अगर तोड़ो तो ये आसानी से टूट जाएगी। कांच से पांच उंगली है, इनको एक में मिलावट कर लो तो क्या बन जाएगा? मुक्का। एक मुक्का जहां पे पड़ेगा, जिस इंसान के पड़ेगा वो धारा सारी जाएगा। हमारे दिल के अरमान थे कि मैं तुझे कानून की वर्दी पहनाकर अपने मुल्क और वतन की हिफाजत करवाऊंगा, लेकिन आज तू ऐसी मोड़ पर खड़ा है विष्णु कि हम तुझे कानून की वर्दी नहीं बल्कि इस देश का बागी बना दूंगा। अपने हाथों में मां भवानी थाम और मिटा दे बंटरों को जिन लोगों ने तेरी पापी की इज्जत का लगा दूंगा। आग लगा दूंगा, आग समंदर में जलाकर खाक कर दूंगा। और विक्रम इस पट लखपत वर्मा ने किया है मुझसे बगावत और सबसे पहले किसका शिकार खेला जाएगा? सबसे पहले शिकार होगा इंस्पेक्टर विक्रम का। तो फिरताना मोहल्ले की तरफ पैगाम भेजो। जालिम ने वर्दी पहनकर मेरे भाभी की इज्जत लूटा है। मैं उसकी खाल जब तक उसके जिस्म से नहीं उतारूंगा तब तक मैं जान पड़ा। अरे बोल हवलदार वा चौकीदार, एक काम करो। प्यारे दुलारे के साथ में बनवारी भी डाकू बन चुका है। डाकू ही का? डाकू हो चुका है। वो एक सरगना डाकू बन चुका है। हाँ सर। बनवारी का मॉडल करना है किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे खबर मिली है। हाँ? इस समय पहिया के जंगल में डाकू बनवारी का गिरोह पूरा छिपा है। बचकर पैगाम बढ़ाओ सब लोग। चलो फिर पहिया के जंगल। भैया दुलारे, भैया बनवारी, ये देखो सामने से जा रहा है सर्कल विक्रम। संधु राजनीति
बच्चा हुआ लगा मारी। उस दिन तो हमने तुझे छोड़ दिया था हवलदार, मैंने कहा था जिस दिन तेरी मेरी और मुलाकात होगी वो दिन जिंदगी का तेरी आखिरी दिन होगा। उस दिन छोड़ तो हमने इसलिए दिया था क्योंकि तुझसे पैगाम भेजवाना बहुत ही जरूरी था। अब जा, तुझे इस मुल्क और वतन की कोई जरूरत नहीं। राष्ट्रपति बनवारी, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, कानून से भाग कर तू एक सरगना डाकू बन चुका है। इतनी जल्दी तू पहचान गया? तू मुझे मारेगा? हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि विक्रम तो हमें इतनी जल्दी पहचान कर। दुश्मन को पहचानने में कोई देरी नहीं लगती है बनवारी, आज तू मुझे मारेगा, कानून से नहीं बच पाएगा। मानता हूँ कि तू इतनी जल्दी क्यों पहचान गया, क्योंकि तेरे लिए पहचानने के लिए दो ठोस साबूत, एक तो हमारा चेहरा और दूसरे हमारे जूता। हाय हाय, चल वर्दी उतार। जिस तरीके से गधे के पीठ पर चीनी अच्छी नहीं लगती, उस तरीके से तेरे जिस्म पर वर्दी नहीं अच्छी लगती। उतार। हम कब के साहेब हैं रे? ये पहाड़ी कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक इसके जिस्म पर वर्दी रहे। विक्रम तूने बहुत जुल्म किया, वर्दी उतार, क्योंकि हम तुझे अगर वर्दी में मारेंगे तो तेरा नाम शहीदों में लिखा जाएगा। भैया तुम ही तो वर्दी पहने हो। हाँ, तो एक वर्दी वाला वर्दी वाले पे क्या हाथ उठाने जा रहा है? क्योंकि हम तो ठहरे देश के रक्षक और तुम ठहरे देश के। तो लो ये वा वर्दी लो। और विक्रम जितने जुर्म के और सब है मुझे। विक्रम जितने जुर्म के और सब है मुझको, और आज मौका मिलेगा और जादूगा। मैंने तुझसे अब अभी तक का भंडारे में रहे चौकीदार, थाने को अब जूतर मार भाड़ भाड़ मार। थाने का नमक हम कब खाए रे? नमक कहाँ चलो, थाने में लोलू खाई दे रहा है हम। इंस्पेक्टर विक्रम, न जाने कितने घरों को तूने बर्बाद कर दिया, न जाने कितनी बहन बेटियों को अतिम बेसहारा बना डाला। बनवारी मुझे माफ कर दो, मैं वैसा काम नहीं करूंगा। तुझे माफ कर दूं? माफ कर दूं भैया? इस इंसान को माफ कर दूं जिस इंसान ने हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी की इज्जत को लूट लिया। धोखा हो गया था या हमने तुझे माफ किया? भाग सकता था। भैया जब तक कुशाला गांव में लखपत वर्मा और विश्वनाथ प्रधान रहेगा तब तक कुशाला गांव के लोग चैन से नहीं जी पाएंगे। आज पैगाम बढ़ाओ, चलते हैं कुशाला गांव की तरफ। लखपत वर्मा और विश्वनाथ प्रधान को दुनिया सा नाम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। एक बात बताओ रे, माल गीत गा रहे हो? हाँ मालिक, अब हम भगत हो ही गए ना है। भगत तो हो गए हो? हाँ, और कलिया पकड़ रहे थे तो वही मालिक, यो क्वाटा ले अपन, हम क्वाटा नहीं चलाए पीबा। क्यों क्वाटा हम नहीं चलाए पीबा? सवेरे ते हमारी खोपड़ी खाएं दे, बोरिया ले बैठे हैं। बताओ कहाँ बोरिया लिए बैठे हैं? हाँ, जाकर बोल दो। हाँ मालिक, राशन गल्ला पानी सब ले कर देंगे। नहीं तुम लोग भैया जाओ घर का राशन नहीं बटीबा, हम सब ले करीबा। प्रधान की जब चुनाव रहे बनवरिया के बहुत सपोर्ट कर रहे। हाँ, ऐसा करो, सुबह का समय है, 400 ग्राम तुम्हारा खत्म।
दिखा रहे हो प्रधान? क्यों? तेरी प्रधानी के खातिर हमारी दुनिया उजड़ गई। आज हमारे बप्पा काहे मार डरे हो? तेरा बाप था इस देश का गद्दार, तो अपने बाप को बहुत ही बेहद पसंद करता था, बहुत ही अपने बाप से लगाव रखता था। आज तलक अपने बाप के कहने के अनुसार सारे काम किया, तो जा तेरा बाप तेरा इंतजार कर रहा। कहा आज सारे दुश्मन मारे गए, आज हम प्यारे और बनवारी जाकर के अपने आप को समर्पण करूंगा कानून के हवाले। तू भी मेरे साथ चल, हम सारी हकीकत यशवी साहब को बताएंगे। यशवी साहब अगर हमारी बातों पर यकीन कर लेंगे तो शायद तू इस देश का बागी नहीं कहलाएगा, बल्कि कानून की वर्दी अपने जिस्म पर धारण करके इस मुल्क और वतन की हिफाजत करेगा। ठीक है, आओ। ओके, लोगों के सामने हमारी पार्टी से एक दो गाने होंगे। चंपा चमेली आ जाओ। और मुहर्रम का हाई भगता होली